ત્યાં આય રવિન્દ્ર જાડેજા छोड़ी दी अगेन, कोई भी मौजूद नहीं मैदान के उस हिस्से में। बाजुएं खोलते हुए रवि, मगर शानदार शॉट, बैकफुट पे गेंद थी, हल्की सी शॉट गेंद थी, पूरा फायदा उठाया जडेजा ने। बहुत जल्दी पढ़ लिया था उस गेंद, लेकिन फिलहाल अंदरूनी किनारा और चार रन। बहुत फाइन गया है, कोई मौका नहीं। रन मिलेंगे यहां पे और चार रन मिलेंगे और एक शानदार अर्धशतक रविंद्र जडेजा के नाम। बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं जी। हां, अपने अंदाज में वो सेलिब्रेट करते हुए स्लिप के ऊपर से, और चार रन मिलेंगे यहां पे रविंद्र जडेजा को। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। यहां बेहतरीन शॉट, गेंद अंदर की तरफ आई मगर इतने बच गए इस बार। शानदार शॉट, ये टाइमिंग है और इसमें रीच है और जो भी चाहते हैं। सिंगल के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा का दूसरा शतक। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए, और सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम से। ओ, अंदरूनी किनारा स्टंप के बगल से निकली, ये मिलेंगे पूरे चार रन। शानदार शॉट, बहुत ही समझदारी के साथ इसको खेला। लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट, क्या बात है, क्लास। चार रन और, मेरे हिसाब से उनके इनिंग का सबसे बेहतरीन शॉट। स्टेप आउट करके बॉलर के सर के ऊपर से एक विशाल छक्का। सही गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे और गेंद स्टैंड्स में डिपॉजिट की। दो की मांग की है। फिर से गैप में खेला और एक और बाउंड्री वहां पे। ऐसे निराश रहेंगे बुल्दीनिया। बाउंड्री की वो तलाश थी और सिर्फ पिक किया था। छक्के के साथ 150 रन पूरे। रविंद्र जडेजा, क्या खूबसूरत पारी खेली है। स्लॉट में गेंद थी और सिर्फ टाइमिंग के चलते, ताकत नहीं, बैट के बिल्कुल बीचों बीच में गेंद, और क्या समा बांधा यहां मोहाली में। अब सिंगल्स की सोच नहीं रहे रविंद्र जडेजा। फील्ड आपने अंदर की, ये गलती जिसपे जम के बरसा जड्डू का बल्ला। मैसेज का पता नहीं, लेकिन गेंद को डिलीवर कर दिया स्टैंड्स में जड्डू ने एक बार फिर से। जब ये क्रीज में होते हैं तो एक ओवर में 36 नहीं 37।